नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में। आज इस स्टॉक में देखेंगे तो नियर अराउंड 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और हमने कंटिन्यूस कहा कि हम अपने वैल्यू बाइंग जोन 520 से 560 के बीच के लेवल का वेट करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये जोन श्योरली आपको विद इन मैक्सिमम 3 मंथ के ड्यूरेशन में आते दिखेगा और जो भी मोमेंटम ट्रेडर हैं वो 636 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक स्टॉक के कंसोलिडेट जोन में दिखने वाला है। यहाँ देखेंगे तो इस स्टॉक के जो कुछ न्यूज रहे थे वो सभी न्यूज ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं। पहला न्यूज क्या रहा था? पहला न्यूज रहा था कि JLR के नंबर काफी बेटर रहे थे और JLR ने काफी इस स्टॉक को परेशान करा है। इसके साथ देखेंगे टाटा मोटर्स लाइकली ओपन बुकिंग फॉर हैरियर एंड सफारी फेस लिफ्ट 25,000 जो है बुकिंग अमाउंट्स के साथ ये जो है गाड़ी की बुकिंग दे रही है। इट्स ऑथराइज डीलरशिप एंड इट्स ऑन वेबसाइट, ये एक आज की खबर रही। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी के IPO आने हैं, JLR के नंबर्स रहे और यहाँ मंथली नंबर्स भी हमने 1 अक्टूबर को 243,24 यूनिट्स जो है कंपनी ने सेल करें। इसके अलावा इस समय देखेंगे तो जो डिलीवरी है वो तो कंटिन्यूस बेटर दिख रही है, साथ में जो इस स्टॉक का ट्रेंड है वो ट्रेंड देखेंगे तो इस समय पिछले 1 मंथ से ये कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है और ये ट्रेंड इस समय निगेटिव हो चुका है। तो बिल्कुल इस समय इस स्टॉक में कॉशन होने की जरूरत है। आगे इस स्टॉक के चार्ट को देखें तो इस चार्ट को देख करके आप समझ पाएंगे कि ये जो जोन इस समय ये जोन दिख रहा है 600 से लेकर के 632 का, ये जोन एक कंसोलिडेट जोन है। इसीलिए हमने कहा कि या तो इस स्टॉक में 636 के लेवल को ब्रेकआउट करने दें जहां टारगेट हमारा 660-720-800 होगा, या फिर 600 के नीचे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी लेंगे और 636 के ऊपर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेंगे और जो वेस्ट वैल्यू बाइंग जोन है वो 520-60 के ऊपर रुके, जहां से 100% तक का गेन नेक्स्ट 1.5 ईयर तक के ड्यूरेशन में दिखेगा। इस समय बिल्कुल स्टॉक एक कंसोलिडेट वीक दिख रहा है और यहां देखेंगे लोअर लो लोअर हाई के ट्रेंड दिख रहे हैं। इसके नीचे और भी गिरावट आपको 580, 60 और 20 तक के लेवल्स दिख सकते हैं।